तो ये अजीत जी नहीं तय कर सकते हैं, ये जो यहाँ नहीं, नहीं ना मैं तय कर सकता, मनिंदर जी तय कर सकते हैं, ये घुमा रहे हैं, बार बार की बात कर रहे हैं अमेरिका में, देखिए बार बार की बात तो कह रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में, हमने सुनी है बात उनका कुछ हद तक डेमोक्रेसी के बारे में माना है, इंडिविजुअल के तथ्य पे ज्यादा वजन नहीं दिया। मनीन जी, अजीत जी, बहुत इंपॉर्टेंट, आज मैं अपने दर्शकों से ये आग्रह कर रहा हूँ कि इस डिस्कशन को बहुत गंभीरता से देखिए, इस तरह का डिस्कशन आपको टेलीविजन चैनल पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लंबी बातचीत करने के लिए हमारे पास समय की कमी नहीं है। मनीन जी, ये मामला सिर्फ रिवेंज का नहीं है या वेंजेंस का नहीं है या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, ये मामला सिस्टमिक भी हो गया है कि अगर मान लीजिए कि ईडी जो है वो आपने जैसा कहा कि वो पॉलिटिकल मास्टर का हाथ का कठपुतली बन के रह गया है, फर्ज कर लेते हैं कि बन गया है, और आप दोनों भी स्वीकार करेंगे इसके पहले भी जो पॉलिटिकल मास्टर्स रहे हैं वो ऐसी संस्थाओं का प्रयोग करते रहे, कांग्रेस के जमाने में सीबीआई के बारे में एसी कोर्ट ने कहा था कि ये जो है सो पैरट बन गया है ना, तो ये अगर हम एक पल के लिए मान लेते हैं तो भी सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। सिस्टम अगर मान लीजिए, अगर आपको आपके लिए सम्मन लेके आ जाता है, शरद पवार के खिलाफ भी सम्मन आया, शरद पवार ईडी के पास गए, उनके वर्कर उनके साथ गए, राहुल गांधी को सम्मन आया, राहुल गांधी गए, सोनिया गांधी को सम्मन आया, सोनिया गांधी गई, केजरीवाल क्यों नहीं गए, किसकी सलाह पर नहीं गए, ये तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ना। देखिए आशुतोष जी, उनको खत्म करना चाहते हैं आशुतोष जी, मुझे नहीं लगता है कि अजीत जी या मैं, हम दोनों में से कोई भी केजरीवाल के स्पोक्स पर्सन की तरफ बात करना चाहेंगे। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो कर्नल साहब ने जो बात कही उसमें दो चीजें एक साथ मिक्स हो जा रही हैं, लीगल और एथिकल। एथिकली तो बिल्कुल आप सही कहते हैं कि यदि मेरे ऊपर आरोप ही लग गया तो मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। भाई एक्सीडेंट हो गया रेलवे में, रेलवे मंत्री ने रिजाइन कर दिया, शास्त्री जी ने रिजाइन कर दिया, दिस इज एथिकल ग्राउंड, राइट। लेकिन एथिक्स कब लागू होता है? महाभारत के युद्ध में भी कृष्ण जैसे एथिकल व्यक्ति ने कह दिया कि भाई एथिक्स को ताक पे रख दो क्योंकि ये धर्म युद्ध चल रहा है। तो धर्म युद्ध में फिर एथिक्स की बात छोड़ के लीगल बात पर आते हैं। इसलिए एथिक्स की दुहाई देने वाले जो लोग होते हैं वो यदि खुद एथिकल बातों को फॉलो करते हैं तो एथिक्स की दुहाई देनी चाहिए, नहीं तो एथिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए। लीगल बात जो अजीत जी कह रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन की बात है कि क्या होगा। फिर आप एक मिनट रुकिए, अगर एथिकल बात की दुहाई नहीं है तो भाई महाभारत का आपने जिक्र कर दिया तो दोनों तरफ से तो युद्ध चल रहा है ना, फिर तो छोड़ दीजिए। युद्ध की स्थिति है, फिर युद्ध छोड़ दीजिए, कहां बात कर रहे हैं अब, तो क्यों कह रहे हैं युद्ध में फिर एथिक्स क्यों ला रहे हैं? ने कहा एथिक्स ला रहे हैं अब तो लीगल बात, तो यही हम तो यही प्रमाणित करना चाहते हैं कि जो लोग एथिक्स की दुहाई दे रहे हैं कि भारत से करप्शन खत्म करने का हमने बीड़ा उठाया है और इसीलिए हमारा एथिकल पोजीशन है, ये सब बंद कर दें। आप कहें कि आप मान लेना कि ये ईडी का उपयोग पॉलिटिकल हो रहा है, ये कोई एथिकल उपयोग नहीं है। अब ये पॉलिटिकल उपयोग में आप फिर देखें कि क्या स्ट्रैटेजी आपके पास हो सकता है। तो अब लीगल प्रोविजंस के अंदर आते हैं, लीगल प्रोविजंस क्या बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, यदि कैबिनेट की मुलाकात उनसे नहीं होगी तो कैसे होगा, लेकिन लीगल प्रोविजन में इस बात की कोई मनाही नहीं है कि यदि आप अरेस्ट कर लिए गए हैं ईडी के द्वारा तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं रख सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा, हमें देखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे रिजॉल्व होगा, क्योंकि यदि पॉलिटिक्स इस लेवल पे आ गया है कि आप एक साधारण सी बात के लिए चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेते हैं तो उस लेवल पे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो उत्पन्न होगा, मेरे ख्याल से ये नई बात हमारे सामने आई है, भारत के सामने ये नई बात आई है। ये भी आप थोड़ा सा डिसऑनेस्टी हो रही है आपके तरफ से, साधारण सी बात पे मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेते हैं आप साधारण बड़ी आसानी से सहजता से बोल जाते हैं भाई। मान लीजिए 100 करोड़, सुनिए 100 करोड़ की बात है, या 5000 करोड़ का मामला इन्वॉल्व है उस पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं, या 5000 करोड़ लेके आपका भाग गया आदमी यहां से उस पर आप चुप बैठे हैं, उसको माफ कर दे रहे हैं। रोक कौन और ये 100 करोड़ मान लीजिए अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन 100 करोड़ वो भी कोई ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल अकाउंट में चला गया है, हो सकता है पार्टी के चंदा में आया हो, जैसे भी हुआ वो तो लीगल अब वो जवाब देंगे जो भी है, लेकिन उस पर कार्रवाई चल सकती है। उस पर कोई चीफ मिनिस्टर भाग के, भारत से भाग के तो नहीं जा रहा ना चीफ मिनिस्टर कोई,
तो आप अभी तो ईडी के क्रेडिबिलिटी पर बात हो गई मनन जी, तो क्या आप जुडिशरी को भी सवाल के घेरे में रख रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जुडिशरी तो लाचार है, जुडिशरी को तो जब तक फुल एविडेंस नहीं मिलेगा जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता है। जुडिशरी के साथ दिक्कत यह है कि जुडिशरी को आप, भारत के जुडिशरी को आप अनंत काल तक तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख करके टाल सकते हैं, ये दुर्भाग्य है। और कई ऐसे केसेस में आप देखेंगे, एक साल में मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिला? नहीं ये जानने की बात है, सोचने की बात है, हो सकता है इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि इस वक्त जुडिशरी के पास सफिशियंट एविडेंस आ गया हो। तो 1.5 साल क्यों लग गया मनीष सिसोदिया को? मतलब नहीं 1.5 साल आपको मुझे बताइए, ईडी इतनी बड़ी, नहीं नहीं एक मिनट, बेल को छोड़ दीजिए, आप बेल को छोड़िए, नहीं नहीं आस्तों से छोड़िए बेल, ये बताइए मुझे कि इतना सारा एविडेंसेस होने के बाद मनीष सिसोदिया को सजा दिलवाने में 1.5 साल क्यों लग जा रहा है? क्या प्रॉब्लम है भाई आपको? इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपका ईडी, आपका सीबीआई भी, ईडी भी है, सारा एविडेंस आपके पास है, सारा मनी ट्रेल आपको मिल गया, उठा के फेंकिए और उसको सजा दिलवाइए। क्यों टाले जा रहा है केस? ईडी क्यों टाइम लेता जा रहा है? सीबीआई क्यों हर केस में टाइम ले लेता है? आप दीजिए एविडेंसेस, खत्म कीजिए केस को। तो ये बात साफ है कि ये टालने वाली बात है। आप देखिए ना, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अरेस्ट किया गया। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।